एवरेस्ट एक मेगा सीरीज है जो मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट एवर इंडियन टेलीविजन पे होगी, जिस तरीके का उसका ओवरऑल कंटेंट है और जिस तरीके से वो शूट की गई है। और वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन इंडिया आशुतोष गौरीकर, फाइनेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, ये सब ऐसे नाम भी जुड़े हुए हैं इसके साथ। लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली एवरेस्ट पर है और एवरेस्ट के जितना ही बड़ा है। इसमें 5-6 मेन कैरेक्टर्स है, उसमें जो पिवोटल कैरेक्टर है जो 6 बार एवरेस्ट जीत चुका है और NIM मतलब नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चीफ है, कर्नल अरुण अभ्यंकर, वो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें। तो बेसिकली ही इज़ द वन हु टेक्स द हीरोइन, द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन हीरोइन जो जिसका नाम इसमें मतलब हीरोइन का नाम है क्षमता, तो क्षमता अंचल मतलब मैं उसका पर्सनल नाम बोल रहा हूँ और इसमें नाम है उसका अंजलि। तो उसको उसका गोल है लाइफ का एवरेस्ट, और वो गोल के तरफ लेके जाने के लिए जो ट्रेनिंग देता है, जो उनको उसको और बाकी टीम को लेके जाता है, वो किरदार मैंने प्ले किया। जब आशुतोष के सामने प्रोजेक्ट आया, वो जब कर रहा था, तो उसको पहले सबसे पहले फिट लोग चाहिए थे, क्योंकि इसमें फिटनेस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, क्योंकि जिस लेवल पे जिस कंडीशन में हम लोग काम करने वाले थे वहाँ अगर फिटनेस नहीं होगी तो इम्पॉसिबल है सर्वाइव करना। तो राइट फ्रॉम एवरी एज ग्रुप एक्टर, इन एवरी एज ग्रुप जो जो एक्टर्स थे दे हैड टू बी फिट अदर देन बींग गुड एक्टर्स और वॉट एवर। तो ये जो मेरा था उस थोड़ा सा एल्डरली जो एज ग्रुप है उसमें वैसे आसान नहीं था, मतलब क्योंकि वही हाइट पे जाना है, वही माउंटेनियरिंग करनी, वही सब करना है। तो उसके सामने मेरा नाम आया, इसका कारण यही है, जो भटकंती और डिस्कवर महाराष्ट्र जो मैं प्रोग्राम्स करता हूँ वो भी देखता है और मेरी किताबें भी उसने देखी है, पढ़ी है। और एक ज़माना था जब हम लोग साथ में एक्टिंग करते थे, जब मैंने मेरी पहली फिल्म की थी सरकारनामा, उसमें मैंने गेस्ट अपीयरेंस करा, मेरी किया था, मेरी पहली मराठी फिल्म थी उसमें, वो और अजिंक्य देव हीरो थे। तो तब से मैं जानता हूँ, फैमिली भी एक दूसरे को जानती है, अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था कि मेरे उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला हो। तो मैं चाहता था कि एक अच्छी फिल्म उनके साथ की जाए, अगर कहीं मिलता है मौका। तो फिल्मों का मौका तो वैसे नहीं आया, लेकिन ये जो आया मुझे लगता है फिल्म के जितना ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, और इसमें मुझे उसने पूरा बदल दिया है। मतलब मुझे आप देखते आए हैं कंटिन्यूसली नेगेटिव शेड्स में, लेकिन इसमें एक कम्प्लीटली वार्म, पॉजिटिव, डिसिप्लिन्ड, अलग ही किस्म का किरदार है और लवेबल कैरेक्टर। तो आशुतोष ने भी मुझे बताया कि शायद तेरे को पहचानेंगे नहीं लोग, मतलब वो बोलेंगे कोई अलग मिलिंद गुना जी, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस। हाँ, मुझे वेस्टर्न घाट पर या महाराष्ट्र सह्याद्री पर अथॉरिटी माना जाता है, कि उतना काम मैंने किया है, हमारे गवर्नमेंट का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ब्रांड एम्बेसडर भी रहा हूँ मैं, लेकिन हिमालय से उतना मेरा ताल्लुक नहीं रहा। हिमालय में कुछ हिंदी फिल्मों के लिए जैसे LOC या मेरे अपने या 5-6 फिल्में की अलग अलग जगहों पर, लद्दाख में या कश्मीर में, बाकी मैंने हिमालय में एक्चुअली ट्रेकिंग कभी की नहीं थी। तो इसमें मुझे मालूम था कि ट्रेकिंग भी करनी पड़ेगी और पूरा अपने को वहाँ रहने का मौका मिलेगा। और एक ऐसी जगह थी ग्लेशियर पे हम लोग रहे थे 20 दिन, सबसे इम्पोर्टेंट शूट था वो, टेंट्स में माइनस टेम्परेचर में ग्लेशियर पे रहना इज़ नॉट अ जोक, और उधर 2-3 दिन रहना इज़ मज़े के लिए या पिकनिक के लिए बात अलग है, लेकिन वहाँ रहकर शूट करना, सर्वाइव होना, ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है, सांस लेने को तकलीफ होती है, क्योंकि 13,000-14,000 फुट के ऊपर ऑक्सीजन कम होती है। तो उन हालात में, और उसमें एक्शन सीन्स भी हमारे, मतलब एक्चुअल क्लाइंबिंग वाइम्बिंग जो सीन्स है देखेंगे सीरियल में, वो हम लोग सब ने एक्चुअल किए हैं। सो इट वॉज अ टफ जॉब एज अ माउंटेनियर, एज अ फोटोग्राफर, ये बहुत ही एक्साइटिंग ओवरऑल माहौल था मेरे लिए, लेकिन वहाँ जाकर काम करना उतना आसान नहीं था। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि मैं एक आदमी या नॉर्मल ट्रेकर की तरह क्या मैं जाके उस ग्लेशियर पर रहता, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस लोकेशन पर जाने के लिए 3 दिन चढ़ना पड़ता है, 3 दिन अलग अलग कैंप्स करने पड़ते हैं। मतलब एक पहाड़ चढ़ा, 8,000-9,000 पे कैंप किया, रात को रुके, दूसरा पहाड़ चढ़ा, दूसरे दिन पूरा दिन चढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद वहाँ कैंप किया, फिर तीसरे दिन किया, और फिर तीसरे दिन पहुँचे, तभी जाके लोकेशन पहुँचे। ऐसा मुझे लगता नहीं किसी भी एक्टर ने किया होगा इसके पहले। तो हमारा पूरा ग्रुप वैसे गया था, हमारे डायरेक्टर्स वैसे गए थे, हमारे कैमरामैन, पूरा क्रू, सब स्टाफ वैसे गया था। तो इट वॉज अ बिग थिंग, मतलब डिफ़िकल्ट थिंग। तो वहाँ जाकर फिर वो ग्लेशियर पे रहना, 20 दिन काम करना, साथ में हमारे एक्सपर्ट ट्रेकर्स भी थे,
NIMK वगैरह, तो इनकी सबके हमें काफ़ी इनके कारण हमें हेल्प हुई, लेकिन इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब एट ऑल। यानी शूट के टाइम इन्जॉय करते थे ठीक, क्योंकि दिन में होता था धूप होती थी तो शूट मज़ा आता था, लेकिन जैसे धूप जाती है वहाँ इमीडिएट माइनस में जाता है टेम्परेचर, तो आप सीधा टेंट में घुस जाते हैं और अपने स्लीपिंग बैग्स में घुस जाते हैं, बाहर आने की आपकी डेयरिंग ही नहीं होती, क्योंकि सुबह उठ के आप चाय लेने के लिए, आप कुछ ब्रश करने के लिए ग्लो निकलते हैं, एक सेकंड में कड़क हो जाती है आपकी फिंगर्स, तो इस तरीके का इसकी ठंड होती है माइनस में वहाँ। तो वैसे जैसे आफ्टर शूट जो एन्जॉयमेंट तो हमने कभी की नहीं वहाँ, लेकिन उत्तराखंड में जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे नीचे के लेवल पे, जैसे NIM में, नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग में और आसपास, तभी हम लोग ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया। ये एक ज़बरदस्त सीरियल है और मुझे लगता है जिनको एडवेंचर का शौक है, एवरेस्ट के बारे में आस्था है, और सिर्फ एडवेंचर और चढ़ना और माउंटेनियरिंग के बारे में नहीं, इसमें बहुत खूबसूरत रोमांटिक स्टोरी है, मेरा भी एक रोमांटिक एंगल है इसमें, हर एक किरदार बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया, हर एक का एक पावरफुल बैकग्राउंड है और अच्छी तरह से उसे एंड किया गया है।